सब कुछ जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय, और इस पांचवें अध्याय में हम देखेंगे प्रथम चेलों का बुलाया जाना और कोढ़ के रोगी को चंगा करना, और साथ ही हम देखेंगे लकवे के रोगी को चंगा करना और लेवी का बुलाया जाना भी हम आज के अध्याय में देखेंगे, और आज के अध्याय के अंत में हम देखेंगे उपवास का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय, और इसकी शुरुआत होती है प्रथम चेलों के बुलाए जाने से। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गत्रेस की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि हमारे किनारे से थोड़ा हटकर ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दृश्य है कि समुद्र तट के ऊपर हवे हैं, झील के किनारे हवे हैं, और एक नाव पर खड़े होकर यीशु मसीह है वो उपदेश करने लगे। जब वह बातें कर चुका तो समोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जब उनका प्रवचन पूरा हुआ तो यीशु मसीह ने समोन से कहा कि और भी गहराई में नाव को ले चल और वहां पर जाकर अपने जालों को डाल दे। समोन ने यीशु को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। समोन बोला, जी पूरी रात से लग रहे हैं यीशु मसीह जी, कुछ भी इतनी छोटी सी मछली भी हाथ नहीं आई है, फिर भी आप कहो तो आप इतने बड़े हो, आप इतने लोग आपकी इज्जत करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपने कह दिया तो आपके कहने के अनुसार मैं जैसा आपने कहा एक बार और ट्राई करता हूं। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर ले आई, और जैसे उन्होंने जाल डाला, गहराई में जाल डाला, तो बहुत सारी मछलियां वो लेकर आ गई और उनके जाल फटने लगे। इतनी ज्यादा मछलियां हैं वो भर गई जालों के अंदर कि वो जब खींच रहे थे अपनी तरफ तो जाल है वो फटने लगे, इतना वजन हो गया था मछलियों का, इतनी ज्यादा मछली जाल के अंदर आ गई थी। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उसने जो आसपास जो दूसरी नाव पर दूर दूर जो उसके साथी जो मछलियां ढूंढ रहे थे, समोन ने उनको भी मोबाइल पे फोन किया कि आ जाओ भाई, उरा आ जाओ, कड़े तुम चक्कर में पड़ रहे हो, अपने पास बहुत सी मछलियां आई है और हमारे पास इतनी मछलियां हैं कि हमसे वो खींची भी नहीं जा रही, तुम हमारे पास आ जाओ। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। तो वो जो खाली नाव थी दूर, जब वो पास में आ गए तो इतनी मछलियां इकट्ठी हो गई कि उनकी खुद की नाव जिसके पर समोन था वो तो भरी गई, साथ में जो दूसरी नाव मंगाई थी वो भी पूरी मछलियों से भर गई, और इतनी भर गई कि वे डूबने लगी पानी से, इतना माल इकट्ठा कर दिया उन्होंने। यह देखकर समोन पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। समोन ने यीशु मसीह के पांव पकड़ लिए और बोला, जी यीशु मसीह जी आप उड़ तो चले जाओ, हमें इस योग्य नहीं कि आप हमारे पास रहो, हम बहुत ही पापी आदमी हैं, विशेष रूप से मैं खुद है पर्सनली तौर पर बहुत ही पापी मनुष्य हूँ, और इतने पापी मनुष्य के पास इतने सज्जन पुरुष का, आप जैसे महान आदमी का क्या काम है। 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने इतनी सारी मछली है वो एकदम से पकड़ ली तो उन्हें बहुत ही अचंभा हुआ, और वो समझ गए कि ये सब है वो यीशु मसीह ने जो उन पर कृपया की है, दया की है, ये इसका उसका परिणाम है। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यहोन्ना को जो समोन के सहयोगी थे अचंभा हुआ। सिर्फ समोन को ही नहीं बल्कि उनके जो साथी थे और जो याकूब और यहोन्ना को भी जो है बहुत ही अचंभा हुआ कि इतनी सारी मछली, इतने साल हो गए आज तक हमने देखते हुए कभी नहीं पकड़ी, आज यो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तब यीशु ने समोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा।
तू इस मछली वाले डरने की बात नहीं है, ये मछली मछली पकड़ना छोड़, आज तो तू जिंदे मनुष्य को पकड़ा करेगा। और वे नाव को गहरे किनारे पर ले आई और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे बोली। इतना सारा जो उन्होंने मेहनत करके जो इतनी सारी मछली पकड़ी थी, बड़े खुश हुए थे कि या तो जमाने छप्पर फाड़ के मिला है, और यीशु का धन्यवाद कर रहे थे। जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो वो अपना सब कुछ वो उन्होंने बेची भी नहीं, वो जो इतनी सारी मछली जीवन में पहली बार मिली थी, और फटाफट वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। बार में ऐसे हम देखते हैं कोढ़ के रोगी को चंगा करना। जब वह किसी नगर में था, कौन था, जब यीशु मसीह किसी सिटी में थे, शहर में थे, तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह एक नए शहर में गए, वहां पर एक पूरी तरह से 100% कोढ़ में डूबा हुआ व्यक्ति आया और यीशु मसीह के पांव में गिर के बोला कि प्रभु जी, आप चाहो तो मुझे कोढ़ से चंगा कर सकते हो। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। यीशु मसीह बोला, भाई ठीक है भाई। यीशु मसीह बोला, भाई मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत ही उसका कोढ़ है वो उसे छोड़कर भाग गया। इसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तो हमसे जो बीमारियां हैं, जो मोहब्बत करती हैं, हमसे जो तंगियां हैं, जो परेशानियां, जो हमसे मोहब्बत करती है और दिन रात हमसे लिपटी रहती है, और जब परमेश्वर की कृपया हम पे होती है, तो वो जो सारा कंगालीपन है, सारी बीमारियां हैं, वो सब छोड़कर भाग जाती है। क्योंकि उन्हें पता है कि खुदा इससे मोहब्बत करता है, जिससे परमेश्वर प्यार करना करता है, जिससे परमेश्वर मोहब्बत करता है, उससे जो बाकी जो उस मनुष्य को जो बेकार करती हैं चीजें, जो उसका सिस्टम को खराब करती है, उसकी जो चाल चलन को बिगाड़ती हैं, वे सारी चीजें हैं वो मनुष्य के पास से उसे छोड़कर भाग जाती है। हम आ गए हैं 14वीं आयत में, और यहाँ पर कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है। तब उसने उसे चिताया, यीशु मसीह उस तन बोला, बात सुन ले भाई, तू ठीक हो गया, बिल्कुल हो गया ना। बोले हाँ जी हो गया। तो तू एक बात सुने, किसी से न कहे, किसी तक की मैं ना कहिए, परंतु जा अपने आप को याजक को दिखा। बोले किसी ने की मेरा बताया ये कि वो मना करेगा कि ठीक, तो अब तू जा पास्टर जी, तो जा अपने आप ने पास्टर ने दिखा, और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। और बोला जैसा मूसा ने कहा है कि जब कोई याजक तुम्हें ठीक करे तुम्हारे लिए प्रार्थना करके, तो जो कुछ तुम अपनी खुशी से चढ़ाना चाहे वो चढ़ा, ताकि ये गवाही हो और ये थैंक्स गिविंग हो परमेश्वर के लिए। यहाँ पर एक बार यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि यदि हमें पर प्रार्थना के द्वारा कुछ मिलता है, तो हमें परमेश्वर का वो है धन्यवाद जरूर करना है, ताकि परमेश्वर को इससे खुशी हो और उसे ये स्मरण रहे कि हमने उसे स्मरण रखा है, और हम उसे यानी परमेश्वर को और उस उपकार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है हम भूल नहीं गए हैं। आगे हम देखते हैं 15वीं आयत में लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। यीशु मसीह ने तो उससे कहा था, किसी ने बताइए ना कि मैंने तेना ठीक कराया है, लेकिन वो आदमी कड़ा मानना था, उसने सुहा तो बताया हुआ, सुहा हजारा तो बताया हुआ, और इस प्रकार से यीशु मसीह की चर्चा पूरे नगर के अंदर फैल गई और सब लोग अंधे लंगड़े लूले बीमारों को लेकर यीशु मसीह के पास ट्रक भर के लाने लगे। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था, लेकिन यीशु मसीह है वो अलग जंगलों में चला जाता था और वहां जाकर परमेश्वर से लंबी लंबी प्रार्थनाएं किया करता था। 17वीं आयत में हम देखते हैं लकवा के रोगी को चंगा करना। एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, और गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य का जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने
रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह एक दिन है किसी के घर के अंदर है, वो उपदेश कर रहे थे, तो एक लकवे के रोगी को उसके पास कुछ व्यक्ति लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें भीड़ ज्यादा होने के कारण में उसको यीशु के पास ला नहीं पा रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ला सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खरपेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उपस्थित कर दिया। उन्होंने देखा भाई ये बंदा तो लकवे रोगी क्यों कर लेके जावा, उनका सच में को नहीं, तुम्हें छत पर चढ़ गए और छत उदेड़ गए ने, और खाट समेत यीशु मसीह के सामने उस रोगी को नीचे लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने जब देखा इतना बड़ा विश्वास, लोग कितना विश्वास करते हैं, और उन्होंने उस आदमी से जो कोढ़ी था उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। शास्त्री और फरीसी बोले, कौन है यो परमेश्वर की निंदा करने लगा, इसने यो कैसे कह सकता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, परमेश्वर को छोड़कर और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। तो वे शास्त्री और फरीसी बोलने लगे, परमेश्वर के अलावा पापों को क्षमा करने वाला और कौन है, तो ये आदमी जो इस प्रकार बोलता है ये परमेश्वर की निंदा करता है, सब यीशु मसीह के बारे में बोलने लगे। यीशु ने उनकी बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो, सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर। ये बातें कुछ लोगों की समझ में नहीं आती है कि सहज क्या है, जब यीशु मसीह कहते हैं सहज क्या है, किसी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या किसी से ये कहना कि चल उठ फिर तेरे पाप क्षमा हुए, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह बोले कि तुम्हें इस बात का पता चलना चाहिए कि मनुष्य के पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को पाप क्षमा का अधिकार दिया गया है, इसलिए ये सारी बातें तुम्हारे सामने प्रैक्टिकली की जा रही है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। यीशु मसीह इस लकवे के रोगी को बोला, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था और उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर पर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी। तो पीछे हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह कह रहे थे कि सहज क्या है, किसी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या किसी से कहना, किसी रोगी से कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। तो सहज तो यही है, आसान बात तो यही है, किसी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। मैं आपसे कह दूं जो आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, भाई तेरे पाप क्षमा हुए, कितना आसान है। कौन देखना हुआ है भाई क्षमा, तेरे पाप क्षमा, मैंने तेरे पाप क्षमा हुआ है नहीं भाई। अब आप ये सोचो भाई, उसने कह दिया भाई अपने, मैं वीडियो देखता हूँ एक ब्रदर के, उसने मेरे से कहा था कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो मेरे तो पाप क्षमा हो रहे हैं। अब इस बात का कोई सर्टिफिकेट कोई गारंटी तो नहीं है कि पाप क्षमा हो गए, लेकिन मुश्किल क्या है किसी लकवे के रोगी से ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यदि ऐसा कहने से वो नहीं उठता है और उसका रोग ठीक नहीं होता है और नहीं चल फिर सकता है, तो वो फिर बात तो नहीं बनी ना, उसकी उसकी बात है, उसकी चोरी जो है पकड़ी गई। इसलिए यीशु मसीह ने ये कई बार कहा है, हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा था, मरकुस में पढ़ा था, अब लूका में पढ़ रहे हैं, ये बात बार बार हमारे सामने आती है, इसलिए हमने इसका एक बार फिर से जिक्र किया। हम पहुंच चुके हैं 27वीं आयत में, और यहाँ पर लिखा है लेवी का बुलाए जाने के बारे में। इसके बाद यीशु मसीह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। यीशु मसीह यहाँ से इस भीड़ से निकल कर बाहर जाते हैं और एक पुलिस पोस्ट, ये पहले चौकियाँ होती थी चुंगी लेने की स्थान होते थे, अब तो चुंगी व्यवस्था जो है वो खत्म हो गई है, उसके बाद तो वेट लगना स्टार्ट हो गया था और अब वेट की प्रथा भी भारत में समाप्त होकर अब जीएसटी लग गया है, इसलिए ये चुंगी चंगियाँ जो होती थी रोड के ऊपर वो बंद कर दी गई। ये पुराने समय में होता था, अब चुंगियाँ नहीं लगती, उस चुंगी मतलब टैक्स लेते थे आने जाने वाले यात्रियों से। तो वहां पर वो जाता है चुंगी चौकी पर जहाँ पर चुंगी बनी हुई थी, और वहां पर एक व्यक्ति को जो चुंगी लेने वाला है उसे बैठा देखता है और उससे कहता है, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। एक सरकारी नौकर है, टैक्स डिपार्टमेंट में हो, उसको बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती है,
और उसको यदि यीशु मसीह कोई कहे कि आजा मेरे पीछे, बोले ये दुनियादारी छोड़, तो शायद आज के समय में नहीं जाएगा, लेकिन उस समय ये चुंगी लेने वाला है वो लेवी है, वो यीशु मसीह के तुरंत ही पीछे हो लिया था। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया। वो जो लेवी है उसने यीशु मसीह को अपने घर में ले जाकर एक बहुत बड़ी पार्टी दी, बहुत बड़ा भोज दिया। और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ बैठने भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी भीड़ थी। सिर्फ वो नहीं था बल्कि उसके बहुत सारे साथी जो कि चुंगी लेने का टैक्स डिपार्टमेंट में थे, वे भी सारे वहीं पर थे, उसके साथ थे खाने पीने में। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे। फरीसी और शास्त्री भी और एक फरी का मलमलीदा पहनने के लिए आए हुए थे। वे अपने जब खाना पीना खा लिया उन फरीसी शास्त्रियों ने, तब यीशु मसीह के चेलों से कहने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? तो वो बोले, भाई तुम है लोग यार कैसे आदमी हो, जमा नीची जाति वाले हैं, जमा गए गुजरे हैं, जो उनके घर में तुम खाते खाना पीना खाओ, तारा कोई दया आलम कोई है, कुछ थोड़ी बहुत है, कोई इज्जत है तुम्हारी कोई? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनकी बातें सुन ली और उत्तर दिया, भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है आवश्यक। वेद है वो भले चंगों के लिए नहीं पर बीमारों के लिए आवश्यकता है। यीशु मसीह बोले, एक बात बताओ भाई, डॉक्टर की जरूरत किसने है? जो कोई स्वस्थ आदमी है उसको जरूरत है कि जो बीमार है उसकी जरूरत है? बीमार है उसने जरूरत है ना डॉक्टर की? तो ये लोग है, ये बीमार है, ये परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते, इन्हें किसी प्रकार की शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो इन्हीं को परमेश्वर के सुसमाचार की जरूरत है, इन्हीं को तो सुनाया जाएगा। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह बोला, धर्मियों को बुलाने नहीं आया मैं, धर्मी है वे तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग में चले जाएंगे, मैं तो जो पापी है मैं चाहता हूँ कि वो भी धर्मियों के साथ है वो स्वर्ग में जाए, मैं उनको बुलाने आया हूँ और उनको सुधारने आया हूँ ताकि वे भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके। हम आ गए 33वीं आयत में और यहाँ पर लिखा है उपवास का प्रश्न, और इस वीडियो में आज का ये अंतिम पड़ाव भी है। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं, यानी ये जो ये फरीसी और शास्त्री थे, उन्होंने यीशु मसीह से कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। बोले, यीशु मसीह जी कमाल है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कितना पॉपुलर है, कितने सारे लोगों ने उससे बपतिस्मा लिया, उसके चेले सारे के सारे उपवास रखते हैं और बाकी लोग भी जो फरीसी शास्त्री है वे भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन तेरे चेले तो उपवास फूस कुछ कौन रखते हैं, 24 घंटे खाने पीने रहो है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? यीशु मसीह बोले, अब ये बात आओ, जब तक बाराती है दूल्हा है किसी के, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, क्या बराती वो उपवास करेंगे या फिर फुल मस्ती करेंगे, डीजे पे नाचेंगे डांस करेंगे? क्या ये संभव है कि दूल्हा है वो बरातियों को ले जाए, उनको उनको कहे कि नहीं भाई कुछ नहीं खाना पीना लड़की वालों के यहाँ, ठीक है बस गए उपवास रखना तुम्हें आज के, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रकार से जो परमेश्वर है, जब तक अब उनके साथ है, जिंदा परमेश्वर अपने बच्चों के साथ है, तो कैसे भी उपवास कर सकते हैं और क्या उन्हें उपवास करने की जरूरत है? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब उन दिनों उपवास करेंगे। यीशु मसीह बोला, जब यहाँ पर बताते हैं, बात तो ही बातों में बताते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, उसके बाद से जो मेरे चेले हैं ये भी ऐसा किया करेंगे। 36वीं आयत हम देखते हैं, उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्रों में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने से भी मेल नहीं खाएगा, और कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता है, नहीं तो नया दाखरस मस्कों को फाड़ कर बह जाएगा और मस्कें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। यहाँ पर बताते हैं पुरानी शराब के बारे में, कहा जाता है कि जो पुरानी शहद होती है वो बहुत अच्छी है। पुराने शहद के बारे में भी कहा जाता है कि पुराना शहद है वो बहुत अच्छा है। पुराने गुड़ के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छा है। कुछ पुरानी चीजें हैं उनको ज्यादा अच्छा बताया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका छठा अध्याय,
और उसमें हम देखेंगे सब्बत का प्रभु और सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना, और साथ साथ हम देखेंगे 12 प्रेरितों की नियुक्ति की हम देखेंगे, और शिक्षा देना और चंगा करना भी हम देखेंगे, और आशीष और शोक वचन भी हम अगले वीडियो में देखेंगे, और साथ ही साथ हम शत्रुओं से प्रेम करना और दोष न लगाना भी देखेंगे, और जैसा पेड़ वैसा फल भी देखेंगे, और घर बनाने वाले दो मनुष्य के बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए। सबको जय मसीह की जय हिंद।